हाय गाइस, मैं हूँ राखी और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि दिल्ली के मिनी कोलकाता यानी कि सीआर पार्क में पूजा किस तरीके से मनाई जाती है। तो आज है अष्टमी और अष्टमी के दिन हम सीआर पार्क में आए और हम करीब 5:30 बजे पहुँच गए थे। हमने कैब बुक करी थी काली बाड़ी का एड्रेस डालकर, लेकिन एक पॉइंट के बाद कैब्स अलाउड नहीं थी तो हमें पैदल जाना पड़ा। बट सबसे पहले जो रास्ते में हमें काली बाड़ी से पहले एक दुर्गा पूजा का पैंडल दिखाई दिया, ये काफ़ी फेमस पैंडल है। काफ़ी लंबी लाइन थी बट बारी आने में उतना भी टाइम नहीं लगा और ग्राउंड्स में काफ़ी खाने की भी चीज़ें थी। और पैंडल जो था म्यूज़िकल थीम का पैंडल था जिसमें म्यूज़िकल लीजेंड्स की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी लगी हुई थी। और यहाँ पे हमने फिश रिलेटेड कटलेट्स और चॉप्स खाए और कटिंग चाय वगैरह भी। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, पर सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप सिया पार्क पर घूमना चाहते हो तो 8:30 के बाद से यहाँ बहुत ख़तरनाक वाली भीड़ होती है। तो अगर आप के वापस आ सको तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तब तक जो भीड़ होती है वो अच्छी लगने वाली भीड़ होती है, जो कि फेस्टिवल्स में उतनी भीड़ अच्छी लगती है। बट इसके बाद लेट इवनिंग में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और हम कोलकाता को और मैं अपने होम टाउन पटना में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा काफ़ी मिस कर रही थी, तो यहाँ आके एक थोड़ी फील आ गई, मतलब हमारे पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई। पूरे रास्ते में लाइटिंग्स और रौनक थी, काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड्स लगा हुआ था और काफ़ी भीड़ चल रही थी, तो बहुत मज़ा आया। इसके बाद हम कालीबाड़ी पूजा देखने के लिए गए। कालीबाड़ी की मूर्ति काफ़ी ऑथेंटिक थी और प्रतिमा के दर्शन करने के बाद हम कालीबाड़ी ऊपर मंदिर देखने के लिए गए। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति है। अरे बहुत ज़्यादा बोलने सीख गया ये, साथ साथ बोलने के बिगड़ गया। चलिए देखा कि एक जगह पे ढाक बज रही थी और लोग डांस कर रहे थे। ढाक के बिना एक्चुअली दुर्गा पूजा की जो फीलिंग है वो अधूरी होती है, ढाक से ही वो पूरी होती है। और ढाक की आवाज़ से एक डिवाइन काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट होती है।
अलीबाड़ी की पूजा देखने के बाद हमने वहाँ की जो फेमस मार्केट वन है वहाँ पे कुछ स्नैक्स आइटम्स खाए और उसके बाद हम चले नवपल्ली की पूजा। ये भी काफ़ी फेमस पूजा है और यहाँ का जो पैंडल है वो भी काफ़ी खूबसूरत था। जो कलर थीम थी बहुत ही अच्छी थी, रेड ऑरेंज और मूर्ति पूरी गोल्डन, तो काफ़ी कलरफुल लग रही थी ये जगह। और यहाँ पे भी कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी चल रहे थे। इसके बाद मार्केट वन में ही जाके हमने इलिश और भाकड़ माछ के साथ राइस का डिनर किया।